और क्रिस्पी पराठा तुम्हारे लिए। थैंक। अरे सुनो, और ये तुम्हें क्या हुआ सुबह सुबह? इतना तैयार हो के कहाँ जा रही हो? कॉलेज ही जा रही हो ना, किसी कॉन्सर्ट में तो नहीं जा रही? अल्लाह अम्मी, सुबह सुबह इतने सवाल जवाब, बंदे का ना सारा मूड खराब कर देते हैं। अच्छा मेरी हरी मिर्च, तुम नाश्ता करो, और ये देखो तुम्हारे लिए तो मैंने पहले से क्रिस्पी पराठा बना के रखा। लो शाबाश, जल्दी। वो फूंक के ही पेट भर गया मेरा। और तुम मेरी जान, बस करो, तुम मत खाया करो, मोटी हो जाओगी। कितनी बार समझाया तुम्हें, हाँ दो तेरा, वैसे बड़ी हसीन हो ना। ये पराठा खाने के लिए तो मैं सुबह होने का इंतजार करती हूँ। थैंक यू रबी अम्मी, आपके हाथ के अचार और पराठे पे तो दुनिया कुर्बान। अरे मेरी जान, माए होती किस लिए हैं? हाँ अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम लोग दोपहर में क्या खाओगे, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए, बोलो। ओह, एक तो आपकी पूरी दुनिया ना सिर्फ खाने के इर्द गिर्द घूमती है, हद होती है वैसे। और सुनो, तुम्हारे लिए ना मैंने स्पेशल लिपस्टिक लेकर आई, देखो कितना प्यारा कलर है, लगा लो। वैसे भी इस तरह सिंपल ना तुम बिल्कुल काम वाली लग रही हो। कम से कम कॉलेज क्लर्क मुझे पहचान जाएगा। हाँ इतने मेकअप पे तुम्हारा पहचानना मुश्किल है। ठीक है ना, लगाओ बेटा, रहो यूं ही सर झाड़ मुंह फाड़, बहुत हसीन लग रही हो। मैं ही बेवकूफ हूँ जो हर बार तुम्हारा ख्याल करती हूँ, तुम्हारे लिए इतना सोचती हूँ, हर बार जज्बाती हो जाती हूँ। वैसे भी ये शेड ना तुम्हारी स्किन टोन के साथ बिल्कुल नहीं जाता। सुनो, तुमने जो ये लिपस्टिक लगाई है ना, फौरन साफ करो, बहुत बुरी लग रही है ये। अम्मी आप तो रहने ही दें, आपका बस चले ना तो आप मुझे बिल्कुल ज़ैनब जैसी बनाते। क्या कहा तुम और ज़ैनब? तुम्हें पता है ज़ैनब जैसी बेटियां ना वो माँ बाप का फखर होती है, फखर। ओह सो क्यूट, लेट मी ट्राई टू कैच इट। एक्शन। सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा बॉन्ड है ना, इतनी पामा बरदार बेटी, जानी सार माँ। उठो अब, बहुत देर हो गई है। बहुत हो गया, आ जाओ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। बाय बाय। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज़।